नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीए नाश्ते। जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने कहा, प्रजातंत्र में यह सबसे बड़ा पर्व होता है और जनता लंबे समय से जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रही थी। लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं हैं, लोगों में उत्साह है। ऐसे ही पहले तो प्रजातंत्र में ये सबसे बड़ा पर्व होता है और जनता जनार्दन जो है वो बड़े लंबे समय से जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रही थी। इसीलिए आपने देखा कि ये जो इस बार यहाँ की विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें लोगों का जो जोश जज्बा और जुनून के साथ होश, आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें मेरी मातृ शक्ति की और बुजुर्ग और नौजवान साथियों में, तो ये सबसे बड़ा हमारी का पर्व है। और जम्मू कश्मीर में भी 5.5 साल के बाद यहाँ की विधायिका जो है वो काम करेगी और लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। देखिए अभी 7 ही बजे हैं तो आप देखें कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मुझे पूरी ये अपेक्षा ही नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी 2 फेज की हमारी इलेक्शन हुई है, इस बार जो 24 सीट्स जम्मू प्रोविंस की हैं, सूबा जम्मू की, जिसमें उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 11 सीट्स हैं, आप देखेंगे कि ये जो जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं पोलिंग के, वो आज मुझे लगता है कि ये जो है जो